हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं आज अकाउंट्स का। फर्स्ट बुक पे वापसी हो रही है बेटा। बुक का नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड एनपीओस। बेटा एनपीओ टर्म वन का पार्ट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म से हमें चार चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो फंडामेंटल की बात करनी है, एक बाबू हमें चेंज इन पीएसआर एडमिशन और बेटा गुडविल की बात करनी है। सीक्वेंस ये रहेगा, पहले फंडामेंटल करेंगे बेटा, फिर हम बात करेंगे गुडविल की। ये दोनों चैप्टर हो जाने चाहिए 15 दिन के अंदर अंदर। और बेटा फिर हम बात करेंगे एडमिशन की, और वो 15 दिन में हो जाएगा। और बेटा पीएसआर 1 दिन का चैप्टर है, ठीक है ना। लगभग महीने का सिलेबस है फर्स्ट बुक के रिवीजन का हमारा। बाबू साथ साथ एमसीक्यूज करके चलेंगे, बस ये ध्यान रखना। और बेटा थ्योरेटिकली भी जितना पोर्शन आएगा वो भी साथ साथ करके चलेंगे, ठीक है ना। खाली प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी भी करके चलेंगे। चलो जी करते हैं बेटा स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। आप सामने देख रहे हो, पहले बेटा थोड़ी सी पार्टनरशिप की थ्योरी की बात करूँगा आज, ठीक है ना। ऑल दो बेटा जिन्होंने 11th पढ़ी हुई है मुझसे तो उनको पता होगा ये सारी थ्योरी के बारे में, ठीक है जी। लो सामने देखना जरा मेरी तरफ बेटा, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। मैंने बेटा हल्की सी थ्योरी का डिस्कशन करना है, धीरे धीरे बेटा 1 मिनट में प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाओगे, पता नहीं लगेगा आपको, ठीक है जी। आप सामने देख रहे हैं बस मेरी तरफ। बाबू पार्टनरशिप में ना दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं बेटा, एक का नाम है पार्टनरशिप डीड और दूसरे का नाम है बेटा रजिस्ट्रेशन। बेटा इनमें से पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है बेटा, जबकि रजिस्ट्रेशन बेटा कराओ या नहीं कराओ ये आपकी अपनी मर्जी होती है। लो जी बेटा सबसे पहले बात करता हूँ पार्टनरशिप डीड क्या चीज होती है। बेटा जब लॉ ने पार्टनरशिप डीड को डिफाइन किया ना, तो लॉ ने कहा इट इज द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विद स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर। बेटा मैंने बोला पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी चीज है, जबकि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो सकता है। बेटा लॉ ने कैसे डिफाइन करा पार्टनरशिप डीड को, इट इज द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विद स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर। कहता है ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच का। और आपको बता देता हूं, अगर बेटा पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप ये वर्ड पढ़ो ना रिटन एग्रीमेंट होता है, तो बेटा इंडिया में एग्रीमेंट करने के लिए स्टैम्प पेपर का यूज होता है। यानी कि बेटा पार्टनरशिप डीड कहीं और नहीं बेटा स्टैम्प पेपर पे ही लिखी जाती है, ठीक है जी। ये बात समझ में आई बेटा। पार्टनर जो एग्रीमेंट करते हैं, जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, वो बेटा स्टैम्प पेपर पे करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पीएसआर में क्या क्या लिखा होता होगा बेटा, कुछ 15-16 मैटर कॉमन है जो हर एक पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। लिखा तो बहुत कुछ जाता है बेटा, लेकिन 15-16 मैटर आपके लिए जरूरी है, सुन लो एक बार जल्दी जल्दी से बेटा। सबसे पहली बात मैं बोलूँ तो बेटा ये वैसे ऑल तो बहुत काम की बात नहीं है, लेकिन बेटा फिर भी सुन लो, नेम ऑफ फर्म एंड एड्रेस ऑफ फर्म। सबसे पहली बात तो यही लिखी जाती है बेटा, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा और पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या होगा। दूसरी बात में ये लिखा जाता है बेटा, नेम ऑफ पार्टनर एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर कौन कौन होंगे और उनके एड्रेस क्या क्या है बेटा। थर्ड बात, सबसे काम की बात बेटा, थर्ड नंबर पे लिखा रहता है पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा नाम से कभी कंफ्यूज मत हो जाना, नाम जरूर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट सिंपली मींस आल्सो द लॉस शेयरिंग रेशियो। बेटा नाम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसका मतलब ये नहीं खाली प्रॉफिट एड से बांटना है, इसका मतलब है बेटा लॉस भी हुआ तो वो भी ऐसे ही बटेगा। मान लो बेटा 3 पार्टनर है किसी फर्म के, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और बेटा पीएसआर लिखी गई है 2:2:1। इसका मतलब है बेटा अगर प्रॉफिट हुआ तो 2:2:1 में बांटेंगे, लेकिन अगर लॉस भी हुआ ना तब भी इसी रेशो में ही बटेगा। समझ में आई बात। तो पार्टनरशिप डीड में मैंने भी बताया 3 बातों के बारे में, नेम ऑफ फर्म एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर एंड द एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, बेटा पीएसआर के बारे में बताया, ठीक है जी। और बोलते हैं बेटा, बाबू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है ए कितनी कैपिटल लाएगा, बी कितनी कैपिटल लाएगा, सी कितनी कैपिटल लाएगा। बेटा पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है ड्रॉइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर। बेटा ए कितनी ड्रॉइंग्स कर सकता है, बी कितनी कर सकता है, सी कितनी कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा पार्टनरशिप फर्म आपकी कैपिटल पे कितना ब्याज देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज बाय पार्टनरशिप फर्म,
आपने बेटा अगर ड्राइंग्स करी पार्टनरशिप फर्म से, तो बेटा पार्टनरशिप फर्म आपसे कितना ब्याज चार्ज कर सकती है? सैलरी एंड वेजेस ऑफ पार्टनर, बेटा पार्टनर को आप सैलरी और वेजेस के तौर पे क्या पे कर सकते हो? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, बेटा एबीसी की पार्टनरशिप डीड है, अगर बेटा कभी कोई मिस्टर डी कहे मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता हूँ तो कैसे आ सकता है? बेटा पार्टनरशिप डीड में ही आप स्पेसिफाई कर सकते हो बेटा कि एडमिशन कैसे हो सकता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर इन तीनों में से कोई कह दे कि मैं तो घर जाना चाहता हूँ, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ आपकी पार्टनरशिप फर्म, तो रिटायरमेंट कैसे होगा? ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये भी लिखा रहता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो क्या होगा? अगर बेटा मिलकर पार्टनर डिसॉल्व करना चाहे पार्टनरशिप फर्म तो कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? इसके अलावा बेटा कुछ और मेथड भी लिखे रहते हैं जनरल, जैसे कि बेटा ऑडिटिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कौन चेक करेगा बेटा, ऑडिट कौन करेगा? या बेटा मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर बेटा लड़ाई हो गई एबीसी के बीच तो बेटा कैसे मेथड को, कैसे कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू बेटा डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो बेटा ये कुछ बातें जो लिखी रहती हैं, एक बार मैं बहुत जल्दी से रिपीट करता हूँ। नेम ऑफ फर्म एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, सबसे काम की चीज़ बेटा, ठीक है ना बेटा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर, ड्रॉइंग्स मेड बाई ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा रहता है, सैलरी वेजेस ऑफ अ पार्टनर लिखा रहता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट, ऑडिटिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, लगभग मैंने 14 मैटर बता दिया आपको जो लिखे रहते हैं। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये कंपलसरी चीज है, लॉ कहता है रिटर्न डॉक्यूमेंट बना लेना बेटा, ठीक है ना। अब बाबू इसके बारे में कल दोबारा से एक बार चर्चा करूंगा, तब आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी से कुछ और बात भी बताऊंगा, ठीक है जी। लॉ कहता है रिटर्न एग्रीमेंट बना लेना, रिटर्न इसलिए कहता है लॉ बेटा, लिटिगेशन से बचे रहोगे। अगर एग्रीमेंट रिटर्न होगा ना, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर के बीच क्लियर होंगी, तो कभी बेटा कोर्ट केसेस तक जाने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर बेटा ओरल बनाया तो बेटा बस लिटिगेशन में उलझे रह जाओगे, सुबह से शाम कचहरी के चक्कर कटेंगे बेटा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। करूंगा इस पर बात बेटा, अभी इधर आता हूँ बेटा। पार्टनरशिप फर्म में एक और डॉक्यूमेंट बनता है नोन एज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेटा ये कराना या नहीं कराना ये आपकी अपनी पार्टनर्स की मर्जी होती है बेटा। कराना चाहो तो रजिस्टर्ड करा लो, और नहीं भी कराना चाहो तो रजिस्टर्ड नहीं भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल चीज है, ठीक है ना। लेकिन बेटा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो तीन कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेज आराम से समझना, अगेन बाबू बात करता हूँ, तीन पार्टनर हैं ABC, ठीक है ना। आज बेटा ए की लड़ाई हो गई बेटा पार्टनरशिप फर्म के साथ, यानी कि बी और सी के साथ लड़ाई हो गई, ए की लड़ाई हो गई है बेटा पार्टनरशिप फर्म के साथ। ए वॉन्ट टू फाइल अ सूट ऑन पार्टनरशिप फर्म, ए केस करना चाहता है अपनी पार्टनरशिप फर्म पे। बेटा अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो बेटा पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता, ये चाहे भी तो बेटा केस नहीं कर सकता। पहला कॉन्सिक्वेंस है बेटा अगर आपने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं कराई। दूसरी बात, बी और सी की लड़ाई हुई है बेटा ए के साथ, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की लड़ाई हो गई एक पार्टनर के साथ, एंड पार्टनरशिप फर्म वॉन्ट्स टू फाइल अ सूट ऑन पार्टनर, बेटा आप भी केस नहीं कर सकते। ना तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस कर सकता, ना ही पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे केस कर सकती। तीसरा कॉन्सिक्वेंस भी सुन लो बेटा, ABC यानी कि पूरी पार्टनरशिप फर्म उलझ गई बेटा किसी सप्लायर से, सप्लायर से लड़ाई होगी बेटा, यानी कि एक आउटसाइडर से लड़ाई हो गई आपकी, बेटा पार्टनरशिप फर्म कभी आउटसाइडर पे भी केस नहीं कर सकती। ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस है, ना तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस कर सकता, ना पार्टनरशिप फर्म कभी पार्टनर पे केस कर सकती, ना पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर पे केस कर सकती। एक बड़े काम की बात यहाँ बोली देता हूँ बेटा, मुझे पक्का पता है MCQ में पता नहीं क्या क्या आएगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना आउटसाइडर हमेशा ही आपके ऊपर केस कर सकता है, वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट, ये कॉन्सिक्वेंस नहीं है। आउटसाइडर कभी भी केस कर देगा आपके ऊपर, चाहे आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। तीन कॉन्सिक्वेंसेस खत्म हो चुके, ये तो चौथी बात मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, सुन लो, अगर आपके दिमाग में भ्रम है ना कि लॉ अगर ऐसे लिख दे कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तभी आपके ऊपर केस हो सकता है, वरना आउटसाइडर भी आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, सर फिर तो हर कोई फायदा उठा लेगा।
फिर क्या होगा बेटा, मैं अभी पार्टनर से फर्म रजिस्टर्ड करता हूँ बेटा दो लोगों के साथ मिलकर, और एक सप्लायर से उधार माल मंगाता हूँ और पैसे नहीं देता, मैं कहता हूँ कर ले केस जिस पे करता है, अनरजिस्टर्ड फर्म पे तो केस नहीं होता बेटा। अनरजिस्टर्ड होने से या आपके रजिस्टर्ड होने से कभी आउटसाइडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटसाइडर आपके ऊपर हमेशा केस कर सकता है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं भी हो बेटा। आप लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड हो आप आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकते, कॉन्सिक्वेंस आपके ऊपर है, सामने वाले को बेटा सजा नहीं देगा लो अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो। क्लियर है ना बात? ओके बात, तीन कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आए, दोनों की बात समझ में आई, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। वैसे बता देता हूँ बेटा, मोस्ट ऑफ द फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती इंडिया में, होती नहीं। फीस है 1,000 रुपये रजिस्टर्ड कराने की और रिश्वत 1,00,000। बिल्कुल एक्चुअल बात बता रहा हूँ बेटा, मैं ही बनाता हूँ पार्टनरशिप डेट, मैं ही कराता हूँ रजिस्ट्रेशन। चलो जी, है मेरी खुद की फर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, है? मेरे तो हाथ में क्या आना है, ये आया और ये गया राम, आया राम और गया राम। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म लेता है 1,00,000 रुपये वरना रजिस्टर्ड नहीं करता। मैंने अपनी आज तक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं कराई, लेकिन मेरे मुद्दे में पैसे की बात नहीं है, मेरी थोड़ी सी सोच अलग है। मेरा तो मानना यह है भाई, अगर मैं ईमानदार हूँ तो एक कागज़ के टुकड़े की कोई ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है ना। और अगर मैं बेईमान हूँ तो एक कागज़ का टुकड़ा वैसे भी मेरा कुछ कर नहीं सकता, पता ही आपको। इंडिया में एक केस कर लो बेटा, 20-25 साल तक भागते रहो बेटा कोर्ट कचहरी के चक्कर, ठीक है ना। तो क्या ही कर लेगा लॉ आपका अगर 25 साल तक केस चलेगा तो, उसके बाद तो ज़िंदगी वैसे भी ख़त्म ही है, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड कराने की क्या ज़रूरत है। चलो जी, लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखते हैं बेटा, कुछ आगे चर्चा को बढ़ाते हैं बेटा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा, ये एक कानून है इंडिया में बेटा, जो 1932 में पास किया था ब्रिटिश काउंसिल ने। उस टाइम तक पार्लियामेंट नहीं थी बेटा, ठीक है ना, हम तो आज़ाद हुए बेटा 1947 में। ब्रिटिश काउंसिल होती थी बेटा इंडिया में, उन्होंने ये लॉ पास किया, तब से चलता आ रहा है बेटा। इस लॉ ने डिफाइन करा पार्टनरशिप को, बहुत आराम से सुनना बेटा। इसने बताया कि पार्टनरशिप से हमारा क्या मतलब होता है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि पार्टनरशिप क्या चीज़ है। बाबू इसने बोला, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव Agreed to लो प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बेटा खुद से पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी और बताया कि उनका क्या मतलब होता है पार्टनरशिप से। बेटा मैंने डेफिनेशन के दो पार्ट जान के कर दिए, मैं इस बात का एनालिसिस हमेशा अलग करता हूँ बेटा, और इस बात का एनालिसिस हमेशा अलग करता हूँ, ठीक है जी। बहुत आराम से एनालिसिस सुनना डेफिनेशन पर। कहता है बेटा, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बेटा इसके हिसाब से पार्टनरशिप क्या है, कहता है बेटा पर्सन के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए। और बेटा मेरा एनालिसिस ये कहता है बेटा, लॉ का मतलब खाली प्रॉफिट से नहीं होगा, दैट आल्सो इंक्लूड द लॉसेस बेटा। यानी कि पार्टनरशिप क्या है, लोगों के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपना प्रॉफिट भी बांटेंगे, जहां वो अपना लॉस भी बांटेंगे, वो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। समझ आया लोने क्या बोला बेटा पहली लाइन में, ठीक है ना। पर्सन के बीच की ऐसी रिलेशन कि इंसान अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो गया, इंसान अपना लॉस बांटने को तैयार हो गया, हर वो सिचुएशन जहां प्रॉफिट बढ़ता है लॉस बढ़ता है बेटा, वो इनके हिसाब से बेटा पार्टनरशिप। लेकिन दूसरी लाइन बहुत बहुत ज्यादा काम की बेटा, बहुत आराम से सुनना। आपको बता देता हूं, दूसरी लाइन को बेटा हम प्यार से म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं बेटा। दूसरी लाइन क्या लिखी है मैंने, कैरिड ऑन बाय ऑल
और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत आराम से सुनना बेटा। बाबू लिखा कैरेड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर फर्म चला लो। कैरेड ऑन बाय ऑल कहता सब मिलकर फर्म चला लो। बेटा एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बोलता हूं आपको बेटा, किसी फर्म में तीन पार्टनर हैं एबीसी, ठीक है। आज बेटा एबीसी तीनों बैठे हुए हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इनके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि किसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने का इनको मौका मिल रहा है जहां बहुत अच्छी खासी रिटर्न है। एबीसी बैठकर बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि हमें उस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बेटा। और मान लो बेटा म्यूचुअल कंसेंट से इन्होंने कोई जजमेंट लिया कि इन्वेस्ट करना चाहिए। बेटा ये जो इन्होंने किया ना, इसको हम प्यार से बोलते हैं कैरेड ऑन बाय ऑल। कैरेड ऑन बाय ऑल मतलब सब मिलकर फर्म चला रहे हैं बेटा, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत आराम से इस चीज का मतलब समझना बेटा। म्यूचुअल एजेंसी और इस बात का मतलब सेम है। ये क्या बोलता है, पार्टनरशिप का हर पार्टनर मालिक भी है और एजेंट भी है, यानी कि प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। बाबू हर पार्टनर को आप मालिक बोल सकते हो और हर पार्टनर को आप नौकर भी बोल सकते हो। कहता है पार्टनरशिप में हर पार्टनर मालिक होता है और हर पार्टनर नौकर होता है बेटा। समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं बेटा, कैसे पार्टनर मालिक भी हो सकता है कैसे नौकर भी हो सकता है। एबीसी लेट सपोज बेटा उस बिजनेस मीटिंग के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बेटा दिल्ली जाने वाले, ठीक है जी। और बेटा उनके सामने बेटा एक बिजनेस प्रपोजल आया कि बेटा वो वहां पर बैठ के सोचेंगे कि हमें वहां पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना बेटा, उन्होंने क्या करना है प्रोजेक्ट देखना है वो, ठीक है। एंड मोमेंट पे क्या हुआ बेटा, ए और बी के घर में कोई अर्जेंसी आ गई, ए और बी नहीं जा पा रहे। सी गया और ए और बी ने सी को बोला कि सी तू देख लियो, जैसे तेरे को ठीक लगे तू वैसे कर लियो। सी गया, सी ने प्रोजेक्ट देखा, उसको प्रोजेक्ट ठीक लगा, उसकी उसने अपनी समझ लगाई बेटा और प्रोजेक्ट के पेपर पे ना साइन कराया। बेटा यहां पर ना सी एज अ एजेंट काम करके आ रहा है, एजेंट मतलब नौकर की तरह गया बेटा, साइन भी करके आया, और ए और बी घर पड़े हुए हैं बेटा मालिकों की तरह। इस पूरे एग्जाम्पल में ए और बी बेटा जब घर पड़े हुए हैं ये प्रिंसिपल की तरह काम कर रहे हैं और सी बेटा नौकर की तरह काम कर रहा है। और एक बात बड़े काम की सुन लेना, अगर सी ने इस एग्रीमेंट पे साइन करे तो क्या ये एग्रीमेंट सिर्फ सी के ऊपर लगता है? नहीं बेटा, देखो लॉ क्या कहता है, बहुत आराम से पढ़ लो। कैरेड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर फर्म चला सकते हो, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक इंसान ने अगर बेटा किसी एग्रीमेंट पे साइन कर दिए ना एक पार्टनर ने, तो ये खाली उस पार्टनर के ऊपर नहीं लगता, ये पूरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बाइंडिंग है। यानी कि बेटा अगर सी ने साइन करे हैं और कल को उसमें 1 करोड़ का लॉस हो जाए, सर आप तीनों अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भुगत रहे होंगे, चाहे ए और बी ने कुछ भी नहीं किया, वो घर ही बैठे रहे बेटा। क्योंकि लॉ ने ऐसे पार्टनरशिप को डिफाइन करा कि एक अकेला इंसान अपने एक्ट से पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर देता है बेटा। समझ आई बात? अच्छा कभी ऐसा हो बेटा सी घर रह जाता, ए और बी साइन करने चले जाते, तो ए और बी प्रिंसिपल हो जाते, सॉरी ए और बी एजेंट हो जाते और बेटा सी प्रिंसिपल हो जाता। कभी बेटा ए साइन करने चला जाता तो ए एजेंट हो जाता, बी सी प्रिंसिपल हो जाते। यानी कि बेटा हर पार्टनर प्रिंसिपल होता है बेटा पार्टनरशिप फर्म का, और हर पार्टनर एजेंट भी होता है। सारे मिलकर भी फर्म चला सकते हैं, एक अकेला भी फर्म चला सकता है। एक इंसान के एक्ट से बेटा सारी की सारी पार्टनरशिप फर्म बाइंडिंग होती है हमेशा। क्लियर बात समझ आई? बढ़े आगे। लो बेटा लास्ट थ्योरी का टॉपिक बेटा, इसके बाद हम प्रैक्टिकल चैप्टर पे शिफ्ट कर रहे हैं। बाबू मेरे पास ना बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं। ऑल्दो बेटा ये थ्योरेटिकल मुद्दा है, मुझे सबका डिस्कशन नहीं करना, मुझे सिर्फ दो बातों का डिस्कशन करना है। मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ पार्टनर की, और बेटा मैं सिर्फ दो टाइप के पार्टनर डिस्कस करूँगा। वैसे टोटल मिलाकर तो बेटा चार होते हैं, चार में भी फर्दर दो अलग पार्ट होते हैं बेटा। एक्टिव पार्टनर या स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, सामने देखना, एक्टिव लिख दिया मैंने बेटा, एक्टिव पार्टनर और बेटा स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। बहुत आराम से सुनना बेटा, मेरी तरफ देख रहे हो आप।
बाबू क्या डिफरेंस होता है एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में, एक एग्जांपल से क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूँ आपको। बेटा तीन पर्सन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ये बेटा इन्होंने डिसाइड करा कि हम क्या करते हैं, एक मिलकर ना स्कूल या कॉलेज खोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मिलकर खोल लो स्कूल कॉलेज। इन्होंने एसर्टेन करा बेटा, एक आर्किटेक्ट से भी मीटिंग करी कि क्या खर्चा आ जाएगा हमारा अप्रोक्स। तो बेटा आर्किटेक्ट ने सब कुछ इनके आइडिया के हिसाब से बताया कि आपके बिजनेस में टोटल 6 करोड़ रुपए में आपका स्कूल रेडी हो जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है। ये तीनों बेटा 2-2 करोड़ रुपए ले आए और बेटा स्कूल के लिए इन्होंने लैंड खरीदी और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है बेटा, इन द मीन टाइम जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो इनके साथ 2-3 मिस हैपनिंग हो गई। ठीक है ना, बहुत सारी मिस हैपनिंग में से एक मिस हैपनिंग ये थी बेटा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का दाम बेटा बनते बनते ही 1.5 से 2 गुना हो गया। और बेटा पूरे 6 करोड़ खर्चे जाने के बाद भी इनका स्कूल पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब ये परेशान क्योंकि बेटा फंड शॉर्ट पड़ गए बेटा 2 करोड़ से, यानी कि टोटल 8 करोड़ का खर्चा आ रहा है बेटा, अभी तक 6 करोड़ लग चुके हैं, पैसा इनके पास एक नहीं है। इन्होंने बेटा एक पर्सन को अप्रोच किया, ठीक है ना, जो सहारनपुर की मान लो कोई मानी व्यस्ती है बेटा, मिस्टर डी, उसको अप्रोच किया कि आप हमारे प्रोजेक्ट में 2 करोड़ लगा दो। मिस्टर डी ने कहा देखो मुझे पैसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मैं भी चाहता हूँ स्कूल नाम की एक चीज़ में मेरी पार्टनरशिप हो, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम यह है, मेरी अच्छी खासी दुकान है और मेरी दुकान मोरगंज में अच्छी खासी दुकान चलती है, मेरे को तो टाइम ही नहीं सुबह से लेकर रात तक, मैं करूँगा भी क्या स्कूल में पैसे लगाकर। उन्होंने कहा सर आपको क्या दिक्कत है, आप सिर्फ पैसे लगा दो, आप 2 करोड़ रुपए लगा दो बस, जितना प्रॉफिट होगा सबका बराबर बराबर, जितना ए को मिलेगा उतना ही बी को मिलेगा, उतना ही सी को मिलेगा और उतना ही आपको दे देंगे, यानी कि 1:1:1:1 के चारों पार्टनर हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस आपके घर बैठे बिठाए पहुंचेगा, आपको सिर्फ पैसे देने हैं बेटा और स्कूल चलाने के लिए कुछ नहीं करना। डी ने बोला देख लो मैं एक भी दिन नहीं दे पाऊंगा आपको, मेरी दुकान अच्छी खासी चलती है, मैं दुकान छोड़ के स्कूल के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। बाबू एबीसी ने कहा एग्रीड, आप मत आना, आपको किसी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है बेटा। बाबू हमेशा ध्यान रखना, स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है बेटा जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए इसका नाम है स्लीपिंग। पैसे ये भी लगाएगा, पैसे एक्टिव पार्टनर भी लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्टिव पार्टनर भी पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, स्लीपिंग पार्टनर भी पार्टिसिपेट करेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैं अभी खैर बस वर्ड बोल रहा हूं, इसकी भी होती है और इसकी भी होती है, इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है कि ये बेटा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करता, और ये बेटा सारी सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं, दिन रात बेटा काम करते हैं उस अपने प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए, इसीलिए इनको बोला गया एक्टिव पार्टनर और इसीलिए इसको बोला गया बेटा स्लीपिंग पार्टनर। समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब एक्टिव पार्टनर है कोई पर्सन सुबह से लेकर रात तक स्कूल चलाने की कोशिश कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में, और एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए पार्टनरशिप फर्म से? सर एक्टिव पार्टनर को एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है हमेशा पार्टनरशिप फर्म से, वो है सैलरी, क्योंकि ये काम करता है पार्टनरशिप फर्म में दिन रात, नौकर की तरह पिस रहा है भाई, और ये पर्सन घर बैठा हुआ है मालिकों की तरह। ठीक है ना बेटा, हमेशा ध्यान रखना एक्टिव पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, जबकि स्लीपिंग पार्टनर को हम कोई सैलरी नहीं देते। क्लियर हुई बात? ओके बात समझ आएगी, क्यों सैलरी दे रहे हैं, काम कर रहा है भाई दिन रात। ओके बढ़े आगे बेटा, अब प्रैक्टिकल चैप्टर पे शिफ्ट कर रहा हूँ आपको। लो प्यारे बच्चों सामने देख रहे हैं सब, बेटा तीन थियोरेटिकल टॉपिक कर लिए मैंने और धीरे धीरे अब प्रैक्टिकल पोर्शन पे शिफ्ट करना। बेटा पहले हल्की सी बात 11th की कर देता हूँ, जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा उससे भी अच्छी बात बाबू, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, हल्का हल्का, ठीक है, कोई मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ तगड़ी। बेटा 11th क्लास में ना हमें कहा जाता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, ठीक है ना, पढ़ा नाम ही सुना हो तो चलो ये भी मैं तो गरीमत मान रहा हूँ। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्या बोला होती है बेटा? बाबू इसमें हम करते क्या है बेटा, एक तो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं नोन एज बैलेंस शीट, ठीक है ना।
हमारे कोर्स में बेटा 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है बेटा? जब कोई अकेला इंसान बिजनेस करता है उसे सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। बेटा हमारे कोर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी सोल प्रोप्राइटर की, ठीक है ना? और हम वहां करते क्या थे ये बहुत आराम से सुनना। एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सुना है बेटा ये अकाउंट के बारे में? नाम सुना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ऐसे हंस रहे हैं यार, मेरे को तो डर लगता है तुम्हारे से, पता नहीं तुम क्या क्या करके आए हो कोविड वाले सालों में। और बेटा एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट। हमेशा ध्यान रखना मैं इसको कभी अकाउंट नहीं बोलता, और ये अकाउंट होता नहीं। क्यों नहीं बोलते बेटा इसको अकाउंट? इसमें अकाउंट वाले गुण नहीं होते, ठीक है ना? अकाउंट क्या होता है ये भी समझ लो बेटा, अकाउंट वाले गुण क्या होते हैं ये भी समझ लो बेटा। अगर आप इस अकाउंट को देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दिखने में टी शेप है, बहुत बड़ा टी लग रहा है बेटा। बैलेंस शीट भी दिखने में टी ही शेप होती है, लेकिन बेटा अकाउंट के साथ एक फीचर होता है, कोई भी अकाउंट हो हमेशा उसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और बेटा राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है। जबकि बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता, बैलेंस शीट थोड़ी उल्टी चलती है। बैलेंस शीट में बेटा हमारी राइट हैंड साइड एसेट होती है और एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, और बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज होती हैं बेटा जो कि हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो इसमें अकाउंट वाले गुण नहीं होते, इसलिए बेटा बैलेंस शीट को कभी अकाउंट नहीं बोलते। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं बेटा? हमेशा स्टेटमेंट। समझ आई बात? ठीक है बेटा, ये जो आप अकाउंट बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट वाला। अब आपको क्या ही बोलूं मैं, 11th क्लास में हम तीन तरीके के अकाउंट पढ़ते थे बेटा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ज़्यादा नहीं उलझना मेरे को इसमें, लेकिन मैं सिर्फ नॉमिनल की बात कर रहा हूँ बेटा। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटा ये कहता है सारे के सारे खर्चे डेबिट करो, सारे के सारे लॉसेस डेबिट करो, और ये प्रिंसिपल जिंदगी भर चलेगा बेटा। मैं जिंदगी भर यही बात बोलता रहूंगा आपको, सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, सारे लॉस डेबिट होते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। और बेटा ये कहता है क्रेडिट कर दो सारी की सारी इनकम को, सारे के सारे गेन्स को, ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो बेटा इसका जो नेचर होता है इस अकाउंट का, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि सारे खर्चे डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे लॉस, सारी की सारी इनकम, सारे के सारे गेन्स कहाँ लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। बात समझ में आई? क्लियर बात बेटा? अब आगे बढ़ाता हूँ बात को बेटा। इसमें आप देखोगे मैंने दो अकाउंट के बारे में लिखा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना? तो बेटा दिखने में ये जो अकाउंट होता है ना दो बार बनता है बेटा। ऊपर वाला अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनता है बेटा इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी? दो अकाउंट बन रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ये है बेटा, और नीचे जो बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, ठीक है जी? इसके बाद बन रही है बैलेंस शीट। बहुत आराम से सुनते जाना, इसका यूज होएगा बेटा थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में। बाबू ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आता है वो आता है बेटा या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, ठीक है ना? सुन लो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में ना गिन के चार चीजें आती हैं। ऑल दो हमें कोई PhD नहीं करनी, लेकिन पता होना चाहिए बेटा। मैंने बोला था क्रेडिट साइड में इनकम या गेन लिखूंगा अपने, मैंने सेल्स लिखी बेटा और क्लोजिंग स्टॉक लिखा। डेबिट साइड में दो चीजें लिखी जाती हैं, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, ठीक है ना? ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस। अब सुनो, मान लो ओपनिंग स्टॉक 50,000 का है, मान लो बेटा परचेजेस 60,000 की है, मान लो सेल 80,000 रुपए की है, और मान लो बेटा क्लोजिंग स्टॉक 70,000 का, मान लो, ठीक है ना बेटा? कोई भी अकाउंट में बैलेंसिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। जब भी कोई अकाउंट बनता है हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं, और अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे की जाती है बेटा? आप क्या करते हो, डेबिट साइड का भी टोटल रफ में करते हो, क्रेडिट साइड का भी टोटल रफ में करते हो, और हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखते हो। मैंने बेटा क्रेडिट साइड का टोटल किया ये 1.5 लाख आया, और डेबिट साइड का टोटल करा ये 1,10,000 आया। हाईएस्ट कौन सा है?
1.5 लाख बेटा दोनों तरफ लिख दो, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो बेटा। लिख दिया बेटा, इस तरफ 40,000 का बैलेंस बच रहा है ना, इस तरफ 40,000 का बैलेंस बच रहा है ना, क्योंकि ये क्या कहता है 50,000, 60 लाख, 1 लाख, 10,000 और यहां मैंने टोटल लिख रखा है 1.5 लाख। कोई आ रहा है 1.5 लाख यहां पर? नहीं, बैलेंस आ रहा है ना 40,000 का। सुनना बेटा, ये 40,000 का बैलेंस क्यों आया? क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड बड़ी थी डेबिट साइड से, तभी तो डेबिट साइड में बैलेंस आया बेटा। मेरी क्रेडिट साइड बड़ी थी ना, क्रेडिट साइड 1.5 लाख थी जबकि डेबिट साइड 1,10,000 थी। बेटा क्रेडिट साइड बड़ी थी डेबिट साइड से, तो मेरा बैलेंस आया डेबिट साइड में। बाबू ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रॉफिट या लॉस? क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी। क्रेडिट साइड क्या आती है? इनकम एंड गेन। अगर मेरी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट ही तो है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आता है उसको आप बोलते हो ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, समझ आई बात? ग्रॉस प्रॉफिट बेटा, जो अब अकाउंट स्टार्ट होगा इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये किससे स्टार्ट होता है बेटा? ये ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये अकाउंट स्टार्ट ही ग्रॉस प्रॉफिट से होगा, तो मैंने क्या किया बेटा, इस ग्रॉस प्रॉफिट को ही ब्रॉट डाउन कर दिया बेटा। ये अकाउंट की शुरुआत करी मैंने ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है? इस अकाउंट में बेटा बचे हुए सारे खर्चे लिखूंगा बेटा, अगर कोई इनकम होगी वो भी लिखूंगा। मान लो बेटा मेरी इनकम है कमीशन, चलो जी कमीशन के मुझे 5,000 मिले, मैंने लिख दिया। मान लो मुझे डिस्काउंट रिसीव हुई तो मैंने लिख दिया बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, मान लो 2,000 रुपये की डिस्काउंट रिसीव हुई, मैंने ये लिख दिया। और मेरे क्या खर्चे हो सकते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, सैलरी दी हो किसी एम्प्लॉय को वो खर्चा हो सकता है, रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो सकता है, लीगल फीस, अकाउंटिंग चार्जेस, पता नहीं ट्रैवलिंग, कन्वेंस, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। मान लो बेटा ये खर्चा 10,000 का, ये खर्चा 5,000 का, ये खर्चा 7,000 का, मैंने खर्चे दिखा दिए। अगेन अकाउंट को बैलेंस करना है बेटा, अकाउंट की एक सबसे ब्यूटीफुल चीज है बैलेंसिंग, ठीक है ना? बैलेंसिंग कैसे की जाती है? क्रेडिट साइड का टोटल भी कर लो रफ में, डेबिट का भी टोटल कर लो रफ में, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? 47, डेबिट का है बेटा 22,000, तो बेटा जो हाईएस्ट है मैंने दोनों तरफ लिख दिया, लिख दिया जी हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ। बेटा ये तो 22 है, मैंने 47 क्यों लिख दिया बेटा? यहाँ बैलेंस बच रहा है, ठीक है ना? बैलेंस बच रहा है बेटा 25,000 का। बेटा अगर मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी और डेबिट साइड कम थी तो मेरा बैलेंस डेबिट साइड बचा होगा, और बेटा ये इंडिकेट करता है प्रॉफिट। मेरी इनकम साइड बड़ी है ना बेटा, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? ये बात समझ में आई, ठीक है ना? ऑल दो बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगा लेकिन फिर भी हल्का फुल्का इसका यूज जरूर है बेटा इस चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है जी? ये बात समझ में आई कि सोल प्रोप्राइटर जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता था पहले ये अकाउंट बनाता था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनाता था बेटा बैलेंस शीट, ठीक है ना? बैलेंस शीट में बस एक बात कुछ ज्यादा नहीं करनी बेटा मेरे को बात, सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा कैपिटल। कैपिटल क्या होती है बेटा? प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ लेकर आता है उसको आप कैपिटल बोलते हो, ठीक है ना? एक बिजनेस चलाने वाला बेटा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ लेकर आता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है और बेटा नेट लॉसेस माइनस किए जाते हैं। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है, नेट लॉसेस माइनस किए जाते हैं। नेट लॉसेस कब आते बेटा? अगर मान लो ये खर्चा 50,000 रुपए होता प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब सोचो क्या हुआ, प्रॉफिट आता या लॉस आता बेटा? टोटल करा आपने, क्रेडिट साइड का टोटल 47,000, डेबिट का टोटल आया 62,000, ठीक है ना बाबू? हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिखो, 62,000 हाईएस्ट टोटल है, मैंने लिख दिया बेटा। इस साइड तो सिर्फ 47,000 लिखा है, मैंने 62 कैसे लिख दिया? यानी कि बेटा 15,000 का बैलेंस आ रहा है। और अगर बेटा मेरी डेबिट साइड बड़ी है तभी क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा होगा, और अगर बेटा ये क्रेडिट साइड में मैंने बैलेंस लिखा ये इंडिकेट कर रहा है लॉस, मेरे खर्चों की साइड बड़ी है बेटा, इसको मैं बोलता हूँ नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में जो रिजल्ट आता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, ऐसे ही बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस आता है इसको बोलता हूँ या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस।
कैपिटल में नेट प्रॉफिट हमेशा जुड़ता है और नेट लॉसेस हमेशा माइनस होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं अंश? अरे 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 आज तो समझ आ रहा है। हाँ जी, ऐसे कैसे समझ आ रहा है? दो छुट्टियां करेंगे बस ये भी खत्म करेंगे हम, है नहीं? कोई चीज क्यों आ रही है समझ हमें? लो जी इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? बड़े आगे, सर पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बदलेगा? अब सुनना सर, यहां से चैप्टर मेरा शुरू होने जा रहा है, ठीक है जी, इसको खराब मत करना। सुन लो बेटा, क्या बदलेगा पार्टनरशिप फॉर्म में? बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में भी आप ये अकाउंट बनाते हो, पार्टनरशिप फॉर्म में भी आप ये स्टेटमेंट बनाते हो, लेकिन कभी भी बेटा मेरी 12th क्लास में ना तो ये है ना तो ये। सबसे सहूलियत की बात कि हमने 11th खराब कर रखी हो ना बेटा, तब 12th खराब नहीं होती। ना तो ये है ना तो ये है बेटा। बाबू CBSE के हिसाब से CBSE कहता है बच्चे को इस चीज पे और इस चीज पे जज करके क्या फायदा? ये तो हमने जज कर लिया था 11th क्लास में, कुछ और बनवाओ इससे। तो आपके लिए तो सहूलियत ही है बेटा, अगर आपसे कुछ और बनाया जा रहा है 11th खराब थी तो। बेटा 11th क्लास में क्या होता है, आपसे एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी करता हूं बेटा इसकी बात, लेकिन मैं ये बता देता हूं बेटा, पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन चीजों से मिलकर बनी है। सुन लो बेटा, पार्टनरशिप फर्म की, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर की थी ना बेटा, जब एक इंसान बिजनेस कर रहा था। पार्टनरशिप फर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन चीजों से मिलकर बनती है। ये भी अकाउंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बेटा बैलेंस शीट भी है, ठीक है ना। पहले ये बनता है, पहला नंबर इसका बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, दूसरा नंबर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और तीसरा नंबर बैलेंस शीट का। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, हाँ करेंगे बात करेंगे, अभी मत छेड़। पार्टनर कैपिटल अकाउंट लॉ नहीं कहता बनाने को, ये तो आपकी मर्जी है। अगर आप कैलकुलेशन उंगलियों पे कर सकते हो बेटा, उंगलियों पे कर लो, लॉ नहीं कहता। हाँ जी इतनी बात ओके है क्या? पहले बताओ इतनी बात ओके? बढ़े आगे बेटा, हल्की सी चर्चा बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे करूंगा और छुट्टी कर दूंगा, ठीक है जी। बाबू ये बात मैंने पहले भी बोली हुई है, और जिसने बीच में से पढ़ा है चाहे बेटा चैप्टर मुझसे कोई भी, मैं बेटा कंसेप्ट लिखवा के समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो अब मैं पहला कंसेप्ट लिखने जा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है जी। और हर कंसेप्ट का एक नाम होता है, तो पहले कंसेप्ट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं यहीं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ सकती है शायद इस चीज की। लो जी, तो बेटा ये मेरा कंसेप्ट नंबर वन लिख रहा हूं दोबारा से, कंसेप्ट नंबर वन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा जिसने कभी नहीं लिखा हुआ वो फटाफट से मेरे साथ लिख लो, और जिसने लिखा हुआ है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लो फटाफट से नोट करना है ये दोनों बातें बेटा, आपने ये दो बातें लिखी है, अभी सुन लो, ये कंसेप्ट नंबर वन पूरा नहीं हो जाता दो बातें लिखने से। इसमें टोटल पांच बातें हैं, मैंने अभी दो लिखवाई, पहले मैं दो समझा दूं फिर बढ़ेंगे आगे। बेटा आप मेरी तरफ देख रहे हैं सामने बेटा, और बहुत आराम से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा मैंने बोला पार्टनरशिप फॉर्म में टोटल तीन अकाउंट, मतलब दो अकाउंट एक स्टेटमेंट बनने वाली है। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद हम बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट, ठीक है। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल वैसा है जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है जी।
मैं एक बार बेटा इन दोनों पॉइंट को रब कर देता हूं, मुझे कुछ प्रैक्टिकली समझाना है आपको, अभी मैं इसका डिस्कशन करने जा रहा हूं, बहुत आराम से सुनना बेटा। इसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसा है जैसा आज तक किसी ने भी बेटा अगर बनाया होगा तो उसको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। मैं एक बार बता देता हूं कैसा होता है फॉर्मेट दिखने में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। लो प्यारे बच्चों, ऐसा ही होता था फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेटा, 11th क्लास में बनाया था बेटा, ऐसा ही फॉर्मेट सेम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई बात समझ। अभी आपने दो पॉइंट लिखे हैं बेटा, सबसे पहले चर्चा मेरी पॉइंट नंबर 2 पे बेटा। पॉइंट नंबर 2 में आपने लिखा नॉमिनल अकाउंट बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बेटा नॉमिनल अकाउंट के प्रिंसिपल पे चलता है, यानी कि बेटा डेबिट कर दो सारे खर्चों को लॉसेस को, क्रेडिट कर दो सारी इनकम को और गेन को बेटा, इस ये भी सेम प्रिंसिपल पे चलता है। ये कहता है बेटा सारे खर्चे डेबिट होंगे, और डेबिट साइड कौन सी होती है किसी भी अकाउंट में, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। सर ये दिखने में एक बहुत बड़ा टी है, टी शेप अकाउंट में बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है और राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है। और बेटा इसने भी क्या बोला, इसका नेचर भी नॉमिनल अकाउंट है बेटा, डेबिट कर देना सारे खर्चों को और क्रेडिट कर देना सारी की सारी इनकम्स को। पहले बताओ ये बात समझ में आई, ठीक है ना, सारी इनकम सारे गेन्स क्रेडिट होंगे, सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस डेबिट होंगे। लेकिन बहुत काम की बात सर, अगर बुक का नाम ध्यान से पढ़ोगे ना, बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। मैं जो अकाउंट्स बना रहा हूं पार्टनरशिप फर्म के बना रहा हूं, ना कि किसी पार्टनर के लिए। ABC की पार्टनरशिप फर्म है, मैं बेटा पार्टनरशिप फर्म के खाते लिख रहा हूं, मैं A के खाते नहीं लिख रहा, मैं B के खाते नहीं लिख रहा, मैं C के खाते नहीं लिख रहा, मैं किसी पार्टनर के अकाउंट नहीं बना रहा, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बना रहा हूं। इस बात से क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा, पार्टनरशिप फर्म के खर्चे डेबिट होंगे और पार्टनरशिप फर्म की इनकम डेबिट होगी। पार्टनर के एंगल से मत सोचना, पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचना, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है बेटा जब इंसान सोचना शुरू करता है पार्टनर के एंगल से, ठीक है ना। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के खर्चे डेबिट करना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बेटा नॉमिनल अकाउंट कहते हैं ना, तो ये पार्टनरशिप फर्म के खर्चे डेबिट करने हैं और पार्टनरशिप फर्म की इनकम को मुझे क्रेडिट करना है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं, क्लियर बात। अब मैं पहले पॉइंट पे बेटा अपना एनालिसिस कर दूं। पहले पॉइंट में आपने लिखा इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर अंडर डिफरेंट डेट, ऐसे ही लिखा बेटा। मतलब कहता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दिखाता है, कहता है ये दिखाता है प्रॉफिट पार्टनर के बीच में कैसे बटेगा अंडर द डिफरेंट हेड। सर बहुत आराम से सुन लो क्या लिखा है आपने, अगर कोई प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के बीच में कैसे बटेगा अंडर द डिफरेंट हेड। मेरी तरफ देखना, यानी कि अगर कभी भी पार्टनरशिप फर्म ने कुछ भी देना है पार्टनर को, कहीं और नहीं देगी, एक ही अकाउंट है बेटा। पार्टनर को कुछ भी देना है आपने, एक ही अकाउंट है आपके पास देने के लिए, वो ये अकाउंट है। सुन लो, जब मैंने यहां पर लिखा था ना सैलरी, ये बात बहुत काम की है बेटा, सुन लो बहुत आराम से। मैंने जब यहां लिखा था ना सैलरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा था, P&L अकाउंट में लिखा था, ये सैलरी पार्टनर की नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला, पार्टनर को कुछ भी देना है, एक ही अकाउंट बनाया बेटा आज तक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सैलरी एम्प्लॉय की होगी, पार्टनरशिप फर्म ने कोई नौकर रखा होगा उसको दे रहे हो, पार्टनर को कभी इस अकाउंट में दे ही नहीं सकते आप। सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहला पॉइंट क्या लिखा है समझ आया ना, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स अंडर द डिफरेंट हेड। पार्टनर को प्रॉफिट किस किस हेड में कहां कहां देना है बेटा, वो ये अकाउंट बताता है। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है ना बात। पार्टनर को कुछ भी देना है बेटा, एक ही अकाउंट बना है दुनिया में, दूसरा कोई अकाउंट ही नहीं है, यही अकाउंट है, ठीक है जी। अब इस अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है ये सुन लो बेटा।
ये अकाउंट बन चुका होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद ये अकाउंट बनता है, फिर बनती है बैलेंस शीट, ऐसा ही है बेटा। जब ये अकाउंट आपने बनाना शुरू किया होगा, सुन लो बेटा, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करा तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट उठाया तो ये अकाउंट बनाना शुरू करा। अगर मैं बेटा इसके ही नीचे अकाउंट बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इस अकाउंट की शुरुआत करने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए। किससे शुरुआत होगी बेटा? नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से, जो भी क्वेश्चन में होगा, ठीक है जी। मैं एक बार दोनों लिख कर दिखा देता हूं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता क्वेश्चन में दोनों, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। सर एक ही तो चीज होगी ना बेटा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों चीजें इकट्ठी तो नहीं हो सकती ना। मेरी तरफ देखना, मान लो मेरे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है और मैं बेटा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो कैसे करूंगा सुन लो बेटा। अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर करने के कुछ नियम होते हैं और ये आपको सीखने पड़ेंगे बेटा, जिसने 11th में नहीं सीखे। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, बस दो नियम की बात कर रहा हूं। मैं एक अकाउंट से नेट प्रॉफिट को उठाकर दूसरे अकाउंट में ले जाना चाहता हूं बेटा। सबसे पहला नियम, आप बेटा जब एक अकाउंट से कोई चीज उठाकर दूसरे अकाउंट में ले जाना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी साइड बदल दो। यानी कि अगर ये टू साइड में लिखा हुआ है और आप इसे ले जाना चाहते हो दूसरे अकाउंट में, तो ये टू साइड नहीं जाएगा, ये जाएगा कहां? हमेशा बाय साइड। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? दूसरी बात, कभी भी इसका नाम नहीं जाता, नाम जाता है इसके अकाउंट का। इसके अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा मैंने अगर इसको ब्रॉड डाउन किया भी होगा तो मैंने ऐसे लिखा होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में ये आप अपनी समझ के लिए लिख रहे हैं, मैं आपकी समझ के लिए लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट। बात समझ में आई? अच्छा, अगर नेट लॉस को उतारना हो तो सुन लो बहुत आराम से, ये कहां लिखा है? तो बाय साइड तो नहीं रहेगा ना, साइड बदलेंगे ना, टू साइड लिखेंगे, नाम इसका नहीं इसके अकाउंट का, इसके अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। तो बेटा नाम क्या लिखा जाता? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटा ज्यादा अगर चाहते हो सहूलियत तो ब्रैकेट में लिख देना बाय नेट लॉस, सॉरी टू नेट लॉसेस। क्लियर बात? यानी कि इस अकाउंट की शुरुआत या तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट से होगी या बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉसेस से होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर? इतनी बात समझ आई? एक लास्ट बात बेटा, आज के लिए लास्ट बात। बाबू मैं मान के चल रहा हूं क्वेश्चन में प्रॉफिट है, ठीक है जी। मैंने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट उतार लिया, ठीक है जी। बाबू क्वेश्चन ने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड। यही लिखा है ना पहला पॉइंट आपने, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दिखाता है? कैसे कैसे पार्टनर के बीच में प्रॉफिट बढ़ता है बेटा, कैसे कैसे प्रॉफिट बढ़ता है जी, मुझे भी बता दो बेटा। गिनती की दो चीज मेरे प्यारे बच्चों, गिनती की दो चीज, तीसरी है ही नहीं। लो जी मेरी तरफ देखना बेटा, मैंने लिख दिया टू सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, या पार्टनर्स नहीं लिखता बेटा, मैं मान लेता हूं दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई मैंने दोनों की सैलरी लिख दी बेटा। मेरी फॉर्म में दो पार्टनर है एक्स और वाई, दोनों एक्टिव पार्टनर है, दिन रात काम करते हैं। सर पार्टनरशिप हमको सैलरी देनी चाहिए ना बेटा, अगर मैंने पार्टनर को कुछ भी देना है मैं किसी और अकाउंट में दे सकता हूं? कौन सा अकाउंट बना है? एक ही अकाउंट बना है ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वहीं देना पड़ेगा, मैंने वहीं पर लिखा। बेटा मैंने डेबिट साइड क्यों लिखा? सर नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था? सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट होंगे बेटा, पार्टनर के खर्चे नहीं पार्टनरशिप फर्म के। दो पार्टनर आते हैं मेरे यहां पर दिन रात काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में दिन रात काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म उनको सैलरी दे रही है, खर्चा कर रही है इनकम। अगर मैं उनको सैलरी दे रहा हूं बेटा, खर्चा ही तो कर रहा हूं, और सारे खर्चे कहां लिखे जाते हैं बेटा? डेबिट साइड। तो मैंने गलत थोड़ी लिखा डेबिट साइड लिखकर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके बात बेटा। दूसरी चीज, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये एक्स का और ये वाई का, सुन लो बेटा। जब बेटा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, सुन लो, जब पार्टनरशिप फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक्स ने बेटा 10 लाख रुपए डाले थे
और वाई ने बेटा 5 लाख रुपए डाले थे। बेटा मैं एक्स और वाई को उनकी कैपिटल पे ब्याज दे रहा हूं कि आपने मेरी फर्म में पैसे डाले थे स्टार्ट करने के लिए, ये लो अपनी अपनी ब्याज दे रहा हूं। 10 लाख की कैपिटल पे ब्याज दे रहा हूं एक्स को, और वाई को 5 लाख की कैपिटल पे ब्याज दे रहा हूं। बेटा मेरे एंगल से सोचो, पार्टनरशिप फर्म के एंगल से, मेरे लिए खर्चा या इनकम? मैं तो ब्याज दे रहा हूं ना बेटा। मैंने उन्होंने कैपिटल डाली थी, मैं उनकी कैपिटल पे ब्याज दे रहा हूं बेटा, ठीक है ना। मेरे लिए तो खर्चा, सारे खर्चे का क्या होता है बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है। पार्टनर के लिए तो इनकम है ना, उसे तो ब्याज मिल रही है, लेकिन हमने पार्टनर के लिए नहीं सोचना बेटा, हमने पार्टनरशिप फर्म के लिए सोचना है। हम अकाउंट बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के, पार्टनर के नहीं। क्लियर बात? तो बेटा सैलरी और कमीशन अगर पार्टनर को दोगे तो भी डेबिट होगी, और अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं बेटा तो वो भी डेबिट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई बेटा? बस इस अकाउंट को क्लोज कर देता हूं। एक और बात लिखकर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब सुनना बेटा, इन दोनों ने, एक्स और वाई ने ना, 2-2 लाख रुपए मेरी फर्म से निकाल लिए, और बेटा पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिए। और बेटा अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। आपने बेटा पैसे निकाल लिए और मैं बिजनेस, मैं पार्टनरशिप फर्म, मैं कह रहा हूँ ला भाई ब्याज दे, तूने पैसे क्यों निकाले? अगर तू कैपिटल डालता है तो मैं तुझे ब्याज देता हूँ, अगर तू पैसे निकाल रहा है तो ला मुझे ब्याज दे, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे। अगर बेटा वो पे कर रहे हैं, वो तो पे कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनके एंगल से नहीं सोचना, मेरी पार्टनरशिप फर्म बेटा रिसीव कर रही है वो ब्याज, और अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो मेरी इनकम है। और बेटा क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ये बोलता है नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए बेटा मैंने क्रेडिट साइड में लिख दी बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? और बेटा बिल्कुल फाइनल बात, कोई भी अकाउंट होता है बेटा, अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है, कोई भी अकाउंट होगा बैलेंस करना पड़ेगा ना बेटा। ये अकाउंट में ना गिन के 4 चीजें जाती हैं, जिसमें से 3 चीजें मैंने समझाई। सर क्वेश्चन की शुरुआत या तो प्रॉफिट से होगी या तो लॉस से होगी, वो तो है ही है बेटा। गिन के आइटम कितनी जाएंगी? बस 3 ही जाएंगी और कुछ नहीं जाएगी, चौथी आइटम नहीं जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा क्रेडिट, सैलरी और कमीशन डेबिट, और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट, ठीक है जी। बाबू अकाउंट क्लोज कराओ, मान लो बेटा नेट प्रॉफिट था 1 लाख का, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स थी 50,000 की, मान लो बेटा सैलरी थी 80,000 की, और मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 40,000 का। अकाउंट क्लोज कराना। सर अकाउंट क्लोज करने के लिए हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखें बेटा। हाईएस्ट टोटल इज 1,50,000, ये 1.5 लाख है, ये 1,20 है, लेकिन मैं हाईएस्ट टोटल लिखता हूँ बेटा। बैलेंस किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड। ये तो 1,20 ही है, 1.5 लाख तो बनाओगे ना इसको, ये लो बना दो बेटा। अच्छा ये बताओ ये प्रॉफिट है या लॉस? क्यों? क्योंकि मेरी इनकम साइड बढ़ी है बेटा, ठीक है ना। हम क्या लिखते हैं सुन लो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट। बेटा प्रॉफिट को भेज दो एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में। सुन लेना बेटा, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मेरी तरफ देखना बेटा। जब सोल प्रोप्राइटर से फर्म के अकाउंट बनते थे तो आप नेट प्रॉफिट को कहां भेजते थे? कैपिटल में ही तो जोड़ते थे, कैपिटल में ही तो जोड़ते थे। मैंने कुछ अनोखा किया क्या? ये पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट है, पार्टनरशिप फर्म में बेटा एक पर्सन का नहीं प्रॉफिट आ रहा होता, प्रॉफिट जो आता है वो एक पर्सन को तो नहीं मिलता ना, सारे पार्टनर को मिलता है ना। ये 30,000 का प्रॉफिट है, कुछ एक्स को मिलेगा कुछ वाई को मिलेगा, कहता जो भी प्रॉफिट है इनकी कैपिटल अकाउंट में जोड़ देना, मैंने यही लिखा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी तो यही करते थे, कुछ अनोखा नहीं किया मैंने। क्लियर बात समझ आई? ये अकाउंट समझ में आया बेटा? बस इसको नोट कर जाओ, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।